Thank you, thank you. Okay, thank you guys, thank you. Picture Pandey ki awaaz ke liye dher saari taaliyan pehle to. Jai Hind. Sirf itna kehna chahunga ki I am really proud of you, Karmik. Nipun ne jo ek bahut badhiya kaam shuru kiya Hawa Badlo ke saath, Karmik ne jab mujhe approach kiya is concept ko lekar, तो मुझे लगा कि वाकई में हम सोचते नहीं हैं. मैं इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूं या ड्राइवर चलाता हूं और मैं पीछे बैठता हूं, लेकिन कभी भी हम पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस को, उन पर क्या बीत रही है, वो कैसे धूल मिट्टी प्रदूषण में, नॉइज के सामने कैसे खड़े हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं जब तक कार्मिक मुझे मिलने आए. और जब उन्होंने मुझे अपना कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात, तो मैंने कहा कि जो 16 साल से वन फाउंडेशन ने एक इस सोशल इम्पैक्ट में एक अभ्यास किया है जिससे हमने काफी एक्सपीरियंस गैदर किया है, इसे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और इस प्लेटफॉर्म पे कार्मिक जैसे टैलेंटेड ब्राइट यंग लोग जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्मी भाषा में जैसे कहते हैं लॉन्च किया जाए. और भरामे साहब ने तो बहुत मदद की, पटसलकीकर साहब ने भी बहुत मदद की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे भी मैंने बात की तो वो बहुत चिंतित हैं पुलिस वालों की हेल्थ को लेकर. सरकार तो कर ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक संवेदनशीलता, एक कंपैशन हमारे मेन इन यूनिफॉर्म जो बंदूक चला नहीं रहे हैं जैसे हमारे फिल्मी पुलिस वाले करते हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन दिन प्रतिदिन जिस तरह से वो पूरा संचालन कर रहे हैं पूरे सिटी का, पूरे शहर का, इनके बिना हम कहीं मूव नहीं कर पाते. हम सब जब ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो हमें पता है कि इनकी कितनी मदद पड़ती है हमें. और ये अनसंग हीरोज हैं, कभी पर्दे पे नहीं आते हैं, पीछे अपना काम करते रहते हैं, तो इनके लिए ढेर सारी तालियां. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हम सल्यूट करते हैं, थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये प्रोग्राम को सपोर्ट किया है, मुंबई का हर ट्रैफिक कॉप रिसीव करेगा एक हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मास्क जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा. और बाकी सब मुंबईकरों से मैं यही कहना चाहूँगा, मुंबईकरों से इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है और जितने हमारे मुंबईकर्स हैं दे आर वेरी सोशली कॉन्शियस. सो आई वॉन्ट देम टू ऑल कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ हवा बदलो. और कुछ नहीं, अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड कीजिए, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो बस इतना कीजिए कि जब भी आप किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो उसे एक इक्विपमेंट की तरह मत देखिए, उसे एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह मत देखिए, वो इंसान है ये याद रखिए. उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपनी कठिनाइयां हैं जो वो झेल रहा है, और आपके लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए, आपके शहर के लिए, आपके स्टेट के लिए वो ये काम कर रहा है. इतनी बात याद रखकर उसे एक मुस्कुराहट ही दे दीजिए. इतना याद रखिए कि उनकी फैमिलीज किस दौर से गुजरती हैं, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे जब अपने ब्रेड अर्नर को, अपने पिताजी को, अपने हस्बैंड को खांसते हुए देखते हैं, उनकी तबीयत खराब देखते हैं, तो उन पर क्या बीतती है, एक बार वो थॉट सोच लीजिए. मेरा 4 साल का बेटा है और विवान वीर, और जब भी मेरे साथ गाड़ी में ट्रैवल करता है तो उसे मैंने सिखाया और अभी अपने आप करता है, जब भी किसी पुलिस वाले को देखता है तो कहता है डैडा पुलिस वाले अंकल, और ऐसे सल्यूट करके जय हिंद करता है. और चाहे कितने भी स्ट्रेस में हो उस समय पर 100 out of 100 times पुलिस वाले वापस मुस्कुराते हैं, उनको अच्छा लगता है. तो प्लीज इतना तो कर दीजिए आप. That's all I'd like to say. Jai Hind. Thank you to everybody else, all the other actors who supported, and a big thank you to our number one RJ of the country, Picture Pandey. You need to come out and promote this big time. 100%. इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ. Thank you so much. इसे promote करने के लिए. Thank you so much. Thank you. Thank you everybody. बहुत सोचा आपके बारे में आपके आपने. संजय. संजय. मेरा हूँ. अरे संजय. प्लीज. अरे पागल. संजय. मैं जानबूझ कर किया. वाला नहीं होगा. और मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी यहाँ पर मीडिया के सदस्य मौजूद हैं जो इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इस मास्क को जरूर लें और इसको उन लोगों को दें जो आपको लगता है कि यार जिनको जरूरत है इस मास्क की. वाकई बहुत ही अच्छा बना हुआ है. एक ऐसा मौका जब आप यहाँ पर मौजूद हैं, सुरा हमारे साथ में है, सुरा कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आप इसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या बोलना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं बहुत सारी माफी मांगना चाहूंगी सर से, हमारे सारे जो पुलिस के सर हैं, आप सब मीडिया कार्मिक जिसको अल्सर्स हो गए थे, विवेक सर, मैंने बहुत याद किया मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आते आते, दो घंटे से रोड्स पे मैंने बहुत दुआएं दी आप सबको और बहुत ज्यादा याद किया. मैं बस शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सबका जो काम आप लोग करते हैं. अक्सर जैसा कि मैं कार्मिक और मैं एक बार बात कर रहे थे कि अक्सर जो लोग हमारे हमेशा हमारे सामने रहते हैं, जो हमें रोज दिखते हैं, वो सबसे कम दिखते हैं और उनके जो स्ट्रगल्स हैं वो हमें सबसे कम नजर आते हैं. एंड आई थिंक कि अगर हम अपने समाज में उस वर्ग की बात करें तो पुलिस से ज्यादा इस ये ऐसे एक्सपीरियंस और किसी का नहीं होता है. अक्सर हम बहुत आसान होता है पुलिस को ब्लेम करना, पुलिस को गालियां देना. हम फिल्म इंडस्ट्री से हैं, अक्सर हमारी फिल्मों में आप टारगेट हो जाते हैं, कॉमेडी का पात्र बनते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये वो लोग हैं जो अक्सर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, बिना छुट्टी के ड्यूटी करते हैं ताकि हम लोग सड़कों पे अपने फेस्टिवल्स आराम से सेलिब्रेट कर पाएं, हम अपने डीजे लगा के अपने भगवानों को यू नो समर्पित कर पाएं. सो आई जस्ट वांट टू से वेरी बिग थैंक यू एंड थैंक यू आल्सो टू आई कार्मिक, हवा बदलो टीम एंड कार्मिक कि आपने मुझे इस कॉज के साथ जुड़ने का मौका दिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. Yes, sir. 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 Yes, sir.